जब लैंडिंग शुरू करेंगे 5:47 पे, तो उसके बाद लगभग जो पहले सिनेरियो में 21:17 और 21 सेकंड लगेंगे, और वो अगर रिटारगेटिंग करके दूसरी उस पे जाता है दूसरे सेक्शन में तो लगभग 11 सेकंड और लगेंगे, तो 17:32 सेकंड लगेंगे। तो ये तो तब तक तो लैंडर सही मायने में सेफली सुरक्षा पूर्वक और सफलतापूर्वक उतरण कर चुका होगा, वहां पे पहुंच चुका होगा। उसके 4 साढ़े 4 घंटे बाद ही वो मैंने जैसे मैंने बताया कि हम वो रैंप खोलेंगे और उसमें से रोवर बाहर निकल के अपना कार्य करेगा। जो यान है वो हमने 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया था। हमारे जो लॉन्च व्हीकल है LLVM-3, जो सबसे बड़ा हमारा लॉन्च व्हीकल है इसरो का, उसके द्वारा श्रीहरिकोटा से, उसके बाद उसको जो ट्रांजिशनरी ऑर्बिट में रख दिया गया था, और उसके बाद धीरे धीरे उसका ऑर्बिट बदलते हुए उसको अर्थ के इन्फ्लुएंस से बाहर निकाला गया, जिसको कि जिससे कि अर्थ के ग्रेविटेशन इफेक्ट से बाहर जाए और चंद्र की ओर अग्रसर हो, जिसको ट्रांस ल्यूनर ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। उसके बाद उसको ल्यूनर ऑर्बिट इंसर्शन वो कार्य हुआ 5 अगस्त को, जबकि उसको ल्यूनर ऑर्बिट में दाखिल किया गया, और वो बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्व का मैन्यूवर था, क्योंकि अगर वो हम चूक जाते तो फिर वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो सकता था यान। बट पहले 2 बार हम कर चुके थे, इसलिए इस पर भी पूरा हमको विश्वास था, भरोसा था। तो वो तो बहुत ही सफलतापूर्वक हमने पार कर लिया वो पड़ाव, और उसके बाद 4 मेजर अर्थ बर्न कर मून बर्न करते हुए उसका ऑर्बिट हमने लगभग 157/167 किलोमीटर लगभग 16 अगस्त को पार कर लिया। और इसके बाद उसको 17 अगस्त को हमने लैंडर मॉड्यूल और प्रोपल्शन मॉड्यूल दोनों को अलग कर दिया, क्योंकि प्रोपल्शन मॉड्यूल का मुख्य काम था कि उसको चंद्र की ऑर्बिट तक पहुंचाए, तो वो तो उसने पूरा कर लिया है। और उसके बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल अलग होके उसमें एक शेप पेलोड करके है, वो कार्य करता रहेगा, उसमें जितना फ्यूल है उसके मुताबिक। तो प्रोपल्शन मॉड्यूल में अभी हमारी जो इनिशियल एस्टीमेट है उसके मुताबिक लगभग 3 से 6 महीने तक का फ्यूल, और उससे भी ज्यादा हो सकता है, तो वो 3 से 6 महीने तो काम करेगा ही, और उससे ज्यादा भी करने की उम्मीद जगी है अभी। तो ये तो हुआ प्रोपल्शन मॉड्यूल, और जो लैंडर मॉड्यूल है वो 157/167 किलोमीटर से कार्यरत होके आज ये उसका अलग अलग डीबूस्टिंग फेज में से प्रसारित किया गया, और आज जबकि 22 अगस्त को उसको 120/30 किलोमीटर की ऑर्बिट में वो घूम रहा है, और उसको कल तक वो 100/30 किलोमीटर ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, और फिर उसको 30 किलोमीटर से हम नीचे की ओर उतारेंगे, जबकि वो चंद्र की सतह पे टच डाउन करेगा। और ये कार्य पूरा लगभग कल 5:47 पे शाम को ये शुरू होगा, जो लैंडिंग है जैसा कि मैंने बताया 30 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडिंग शुरू होगा और नीचे टच डाउन होगा लगभग 17:21 के बाद, यानी कि शाम को 6:04 पे हमको ये खुशी की खबर मिल सकती है कि भारत का एक चंद्रयान-3 एक लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग करके चंद्र की सतह पर उतर गया होगा। तो इस पूरी प्रक्रिया में ये बहुत ही कठिन प्रक्रिया है, इतना इजी नहीं है चंद्र पे लैंड करना, और खास करके दक्षिण ध्रुव पे, क्योंकि दक्षिण ध्रुव जो प्रदेश है वो बहुत ही हैजार्डस प्रदेश है, क्योंकि उसमें बहुत ही कठिन प्रदेश है, उसमें गड्ढे भी हैं और जिसको बोलते हैं हम पत्थर भी बहुत बड़े बड़े हैं, तो क्रेटर्स एंड बोल्डर्स चंद्र में कहा जाता है कि बहुत ही है। तो ऐसे प्रदेश में उतरना, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों को वहां पर संशोधन करना है, इसलिए हमने ये चुना है, पिछली बार भी यही प्रदेश चुना था। और आपको पता होगा अभी जो ल्यूना 25 रशिया का मिशन क्रैश लैंड हो गया, तो उसका भी प्लान यही था कि इसी एरिया में वो जाके लैंड हो, बट अब दुर्भाग्यवश वो सक्सेस नहीं हो पाया, सफल नहीं हो पाया। तो इस तरह से बहुत ही कठिन कार्य है वहां पे उतरना, फिर भी हम पूरी तरह इसके लिए तैयार है। तो 30 किलोमीटर से शुरू करके वो 7.5 किलोमीटर पर जाएगा, वहां से 6.8 किलोमीटर, और ये पूरी प्रक्रिया में चारों थ्रस्टर इंजन फायर होंगे। उनका काम है कि जो रिट्रो फायरिंग करना, जिससे जो लैंडर की जो स्पीड है वो घटाई जा सके, क्योंकि फाइनली हमको नीचे पहुंचते पहुंचते एकदम उसको रोकना है, जीरो स्पीड पे लाना है। तो जो पहले 1.68 किलोमीटर पर सेकंड से 30 किलोमीटर से शुरुआत की है, उसको वहां तक नीचे पहुंचते पहुंचते उसको जीरो स्पीड पे लाने का है। तो इनिशियल 6.8 किलोमीटर पहुंचते पहुंचते उसकी स्पीड लगभग 4 गुना कम, यानी कि 358 मीटर पर सेकंड पे आ जाएगी,
उसके बाद हम थोड़ा होवरिंग करके उसको अभी दो इंजन बंद कर दिए जाएंगे और दो इंजन के द्वारा उसका रिट्रो फायरिंग होगा और उसका स्पीड घटाते हुए उसको 800 मीटर की ऊंचाई तक ले आएंगे और 800 मीटर पर पहुंचते पहुंचते उसकी जो स्पीड है लगभग शून्य हो जाएगी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। और उसके बाद उसको वो 800 से सीधा 150 मीटर तक सीधा ही उतर जाएगा क्योंकि उस समय तक उसकी स्पीड एकदम घट के 0 मीटर पर सेकंड प्लस माइनस 1 या 2 मीटर पर सेकंड तक हो जाएगी। तो सीधा नीचे उतरने के बाद 150 मीटर पे उसको काफी काम करना है क्योंकि अलग अलग कैमरा से जो इनपुट है सेंसर जो हमने LHDAC कैमरा करके एक हमने रखा है जो वहां की परिस्थिति की जानकारी देगा वहां की फोटोग्राफ्स देगा और उसका एनालिसिस करके उसको हम कंपेयर करेंगे जो हमने रेफरेंस डेटा स्टोर करके रखा है और वो रेफरेंस डेटा है जो लैंडिंग साइट हमने चुनी है वो लगभग 4 बाय 2.4 किलोमीटर की साइट है उसको 24 बाय 24 मीटर के अलग अलग सेक्शन में बांटा गया है तो लगभग 3901 उसके सब सेक्शन हो गए और उस पे कंपेयर करके उस समय पे जब वो 150 मीटर पे है वो कौन सी जगह पे खड़ा है जो हमने जो निर्धारित किए वही जगह पे अगर खड़ा है तो वो सीधा 150 मीटर से सीधा नीचे की ओर प्रयाण करेगा और कुछ समय में वहां नीचे उतर जाने की संभावना है। बट अगर उसको लगता है कि थोड़ा उसको यहाँ से उसको उसका ट्रेजेक्टरी चेंज करना है जिसको हम रीटारगेटिंग बोलते हैं तो 150 मीटर से थोड़ा खिसक के 60 मीटर तक आएगा और उसका एक्स और वाई मूवमेंट होगा और वो अगेन वहां पे वो इमेज लेके उसका एनालिसिस करके उसको कंपेयर करेगा और जैसा कि मैंने बताया वो 3901 सेक्शन में से जो सेक्शन को योग्य लगता है वहां पे जाके वो सीधे 60 मीटर से सीधा नीचे उतर जाएगा। तो ये तो हमारी दो पॉसिबिलिटी हुई कल जब हम नीचे उतरेंगे तब। अगर हमको लगता है कि जब वो 800 150 मीटर पे होगा उसको लगता है कि कोई भी इमेज मैच नहीं हो रही है और कोई एक जो पूर्व निर्धारित एरिया के बदले कोई और जगह ही अगर पहुंच गया है और उसकी संभावना काफी कम है फिर भी उस संभावना को मद्देनजर रखते हुए हमने प्रोग्रामिंग में वो टेक केयर किया है तो उस समय पे लैंडर खुद ही अभी इमेज जो कैमरा से इमेज आएगी उसका 2D इमेज लेगा और उससे प्रोसेस करके वहां पे जो उसको सेफ एरिया दिखता है क्योंकि इमेज में सब पता लग जाएगा कि कौन सा एरिया सही है कौन सा में क्रेटर और बोल्डर ज्यादा है तो सही एरिया खुद ही चूज करके तो वो निर्णय वो अपने आप लेगा और सीधा वहां पे नीचे उतरने की कोशिश करेगा। और हमको पूरी आशा है कि ये तीसरे जो सैलवेज या इमरजेंसी मोड है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी और जो पहले दो मोड मैंने बताया उसमें से ही एक मोड पे और जो हमने निर्धारित किया साइट उसी में वो सही जगह पे उतरण कर देगा। तो एक सवाल ये भी होता है कि लैंडिंग के बाद जो रैंप है सर, वो सर कैसे खुलेगा सर? लैंडिंग जैसा कि मैंने बताया कि अगर हम सेफली लैंड कर लेते हैं सुरक्षा पूर्वक और सफलता पूर्वक तो उसके लगभग 4 साढ़े 4 घंटे बाद क्योंकि तब तक वहां पर जो डस्ट वो उड़ी है नीचे उतरते समय पे जो रिट्रो फायरिंग के कारण काफी धूल उड़ी होगी वहां पे तो वो हमारे लैंडर के अलग अलग पुर्जों पे वो स्थापित हो गई होगी तो वो धीरे धीरे वो निकल के नीचे गिर जाएगी तो वो धूल सेटल हो जाए बाद में हम प्लान कर रहे हैं कि उसका रैंप खुलेगा वो ऑटोमेटिक ही उसका कमांडिंग दिया ही हुआ है और रैंप के ऊपर ये बंधा हुआ है हमारा रोवर तो उसका पायरो कटर से कटिंग करके तो रोवर नीचे की ओर ग्लाइड होगा और स्लाइड होगा क्योंकि उसके ऊपर व्हील है उसके तो व्हील के द्वारा रोल होके वो लैंडर के आजू बाजू लगभग 500 मीटर की त्रिज्या में काम कर सकता है अपनी रेडियस में तो वो अपना काम शुरू करेगा और लगभग क्योंकि हम लगभग सूर्योदय के दूसरे दिन ये सब उतरने का प्रयास कर रहे हैं तो लगभग उसके बाद उसको 12 साढ़े 12 दिन मिलेंगे रोवर को अपना कार्य करने के लिए क्योंकि उसके बाद वहां पे रात शुरू हो जाएगी और रात को सूर्य सोलर पावर तो उत्पन्न नहीं होगा जिससे कि सोलर पैनल का जो आउटपुट है वो नहीं निकलेगा। बट उसके अलावा भी रात को एक दूसरा प्रॉब्लम ये होने वाला है कि टेम्परेचर -120 -150 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचा चला जाएगा और उस टेम्परेचर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कितना काम कर पाएगी वो हमको पूरा विश्वास नहीं है इसलिए हम सर्किट बंद ही कर देंगे उसका पावर ऑफ कर देंगे। उसके 14 दिन बाद फिर से वहां पे सुबह होगी क्योंकि एक वन मून डे वो लगभग 14 अर्थ दिवस के बराबर होता है पृथ्वी के दिवसों के बराबर तो 14 दिन रात रहने के बाद एक बार फिर से हम उसको रिवाइव करने का ट्राई करेंगे रोवर को और लैंडर के जो
पेलोड है उसको भी, तो उसको स्विच ऑन करके हम देखेंगे कि वह कार्य करने के योग्य रहे हैं कि नहीं। बहुत आसान तो नहीं है, बट फिर भी अगर सर्वाइव कर जाते हैं कोल्ड टेम्परेचर और उसके इलेक्ट्रॉनिक ज्वाइंट्स मजबूत रहते हैं तो वो फिर से कार्य करने लगेगा। जैसा भी कार्य हो वो करेगा थोड़ा बहुत कार्य, तो उतना हम एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे लिए बोनस पीरियड होगा। तो ये ऐसे प्लान बनाया गया है, तो लगभग ये मिशन की लाइफ 14 दिन है बोथ लैंडर और रोवर दोनों के लिए, और 14 दिनों तक जो एक्सपेरिमेंट करके, लैंडर पे हमारे 4 पेलोड है और रोवर पे 2 पेलोड है, तो वो वहां की जमीन का जायजा लेके उसका कॉम्पोजिशन, इलेक्ट्रोमिक एलिमेंटल और मॉलिकुलर कॉम्पोजिशन लेके हमको वहां की जमीन मिट्टी के बारे में, उसके मिनरल्स के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन देंगे, माहिती देंगे, जिसका उपयोग करके आगे रिसर्च कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं हमारे वैज्ञानिक। सर ये सवाल भी होता है कि जैसा आपने कहा तो रोवर को उतरने में और लैंडर को चंद्र पर उतरने में कितना समय लगेगा? जैसे कि मैंने बताया जब लैंडिंग शुरू करेंगे 5:47 पे, तो उसके बाद लगभग जो पहले सिनेरियो में 17:21 लगेंगे, और वो अगर रीटारगेटिंग करके दूसरी उस पे जाता है दूसरे सेक्शन में तो लगभग 11 सेकंड और लगेंगे, तो 17:32 लगेंगे। तो ये तो तब तक तो लैंडर सही मायने में सेफली सुरक्षापूर्वक और सफलतापूर्वक उतरण कर चुका होगा, वहां पे पहुंच चुका होगा। उसके 4-4.5 घंटे बाद ही वो जैसे मैंने बताया कि हम वो रैंप खोलेंगे और उसमें से रोवर बाहर निकल के अपना कार्य करेगा, तो वो तो सीधा ही रोल हो जाएगा, तो उसमें तो हार्डली 1-2 मिनट ही लगेंगे उसको नीचे उतरने में, क्योंकि वो तो सीधा लगभग 5 मीटर का स्लोप जैसा एक सीढ़ी जैसी जिसपे से रोवर नीचे उतरेगा। और रोवर के 2 जो पहिए हैं, एक पहिए पे हमने इसरो का सिंबल एम्बॉस किया है, दूसरे पहिए पे हमने अशोक स्तंभ जो भारत का है उसका सिंबल लगाया है, तो जब भी रोवर वहां पे घूमता रहेगा, मूवमेंट करेगा, उस समय पे उसकी छाप वो छोड़ेगा, अशोक स्तंभ और हमारे इसरो के सिंबल की, जो उसका फोटोग्राफ हमारे पीछे रोवर के पीछे हमने एक रोवर इमेजर कैमरा लगाया है, तो वो रेगुलरली हमको वो इमेज देता रहेगा, तो उससे लोगों को भी आश्वासन मिलेगा, आश्वस्त होंगे कि रोवर हमारा ठीक काम कर रहा है और वहां पर चंद्र की धरती पे मूवमेंट करके और इसरो की छाप और हमारे देश की छाप वहां पे छोड़ चुका है।